वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए डिवाल्ट कंपनी के हैंड ग्राइंडर दो लेके आया हूँ, जिसके अंदर डिस्क डलती है 125 mm की डिस्क डलती है और एक दूसरा ग्राइंडर है उसके अंदर 100 mm की डिस्क डलती है, यानी कि एक के अंदर 5 इंची की डलेगी और एक के अंदर 4 इंची की डलेगी। 5 इंच जो था 5 इंची वाला 125 mm का, उसका मॉडल नंबर है DWE4119, ठीक है 125 mm का। और जो सा हमारा 100 mm का है वो है DW802। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर। दोस्तों वीडियो देखने से पहले आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना ये आपको वीडियो कैसे लगी, क्योंकि आप भाइयों के कमेंट नहीं आते तो मुझे कैसे पता लगेगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। ये सिर्फ आपकी डिमांड पर ही किया जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस वाले मॉडल की हम अनबॉक्सिंग चालू करेंगे। दोस्तों जो से इसका वाट है ये 950 वाट की है, ये देखिए आपको पूरी इन्होंने जानकारी यहाँ दी हुई है। और जो से इसके अंदर ये डिस्क आती है हमारी 125 mm की आती है, ये भी इन्होंने दिखा रखा है। और जो से इसकी स्पीड है 3000 से लेकर 11000 तक की है। बाकी हम इसको खोल के देखते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों हमें ये एक मशीन मिलती है इसके अंदर, ये ग्राइंडर, और जो इसके साथ ये हमें एक हैंडल मिलता है सेफ्टी पकड़ने के लिए, और जो उसके साथ एक की मिलती है जिसकी मदद से हम डिस्क खोलते हैं, और जो हमें इसका एक सेफ्टी कॉलर मिलता है, और ये दोस्तों इसका मैनुअल गाइड मिलती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, मैं आपको खुद बता दूंगा। और इसकी ये सर्विस सेंटर वगैरह है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों जो सी इसकी वायर है वो 2.5 मीटर के करीब है, 2.5 मीटर है हमें, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वायर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये देखिए आप इसके आगे से काफ़ी यानी कि नरम में आती है। अब मैं आपको इसका ये पहले आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों काफ़ी हैवी कॉलर है इसका, जो था सेफ्टी कॉलर है 5 इंची का, ये काफ़ी हैवी में है। और जो इसकी की भी सारी ये पाउडर कोटिंग की हुई है, यानी कि ना कि ब्लैक कलर इन किया, सारी पाउडर कोटिंग में है। और देखिए, और ये इसका हैंडल है, और देखिए कंपनी के जो सी कंपनी की चीज़ कंपनी की होती है, कोई प्लेन नहीं है, इसके ऊपर दानेदार बने हुए हैं, यानी कि आपके हाथ से ग्रिप वगैरह स्लिप ना हो। और देखिए इसकी जो सी थ्रेड वगैरह ख़राब ना हो, कंपनी ने क्या कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके थ्रेड के ऊपर भी कैप चढ़ा रखी है, ये देखिए कैप चढ़ा रखी है, इसकी थ्रेड वगैरह ख़राब ना हो, कंपनी की क्वालिटी ये होती है। और हाँ दोस्तों ये वाला ग्राइंडर औरों से अलग क्यों है, दोस्तों ये वाला ग्राइंडर औरों से इसलिए अलग है, ये देखो इसका बड़ा आसानी से जब हम इसकी ग्रिप पकड़ते हैं तो ऑन ऑफ हमारे हैं हाथ में ही रहता है, ठीक है। ये हमने किया हल्का सा, इसको पुश करेंगे पीछे आ गया। और दोस्तों ये इसका लॉक है, यानी कि डिस्क वगैरह हमको चेंज करनी हो तो यहाँ से हमने इसका पकड़ा और ये ऐसे ये लॉक हो जाता है, ठीक है। और जो सी इसकी स्पीड है, ये देखो एक से लेकर ये हमारी स्पीड है, हम जितना मर्जी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने पीछे ये इसका होल्डर दे रखा है, ठीक है। ये देखो एक, ये दो, तीन, चार, और ये पाँच, और ये मैक्सिमम हो गए, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, हम अपना जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोहे वाली तो डिस्क हम बांधते ही हैं इसके अंदर, और इसमें जिस तरीके से इसकी स्पीड वगैरह है, जैसे हम वुड वगैरह का काम करते हैं तो इसकी स्पीड बड़ी कम बढ़ती हो जाती है, जितनी मर्जी आप स्पीड से जाने की एक्सीडेंट का इसमें चांस कम है। दोस्तों अब मैं इसका सामान आपको संभल करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ लगते हैं। ये सबसे पहले हम कॉलर लगाएंगे इसमें, दोस्तों कभी भी हम हैंड ग्राइंडर वगैरह चलाते हैं तो उसकी सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सेफ्टी देखनी है। कई लोग क्या करते हैं भाई, इसको चलाते हैं कि अपनी बड़ी बहादुरी समझते हैं, भी हमने इसके कॉलर नहीं लगाया, अभी सेफ्टी कॉलर नहीं, हम ऐसे नहीं ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि एक दो एक्सीडेंट ऐसे मेरी जान पहचान में हो गए जिनकी आँख ही बिल्कुल डैमेज हो गई है। तो दोस्तों इसके पहले क्या करना है, कभी भी हम ब्लेड वगैरह जैसे लोहा वगैरह हम काटते हैं, स्टील वगैरह काटते हैं, तो उसके लिए दो किस्म के ब्लेड आते हैं, एक तो आता है बिल्कुल प्लेन तरह और एक आता है उसमें रस्सी के चेक बने होते हैं, ध्यान से देखो
ये आपको चेक नज़र आ रहे होंगे, ये यानी कि अगर टूटेगा भी ना तो इसका एक्सीडेंट के चांस बहुत कम है, यानी कि आपस में लगा रहेगा, आपको पता लगेगा। ये देखिए पीछे भी, और आपने क्या करना है, ग्लव्स डाल के रखने हैं और जो सेफ्टी गॉगल्स जरूर लगा के रखना, क्योंकि इसके जो शर्रे आते हैं वो आँख में जाके गड़ जाते हैं, फिर वो आँख होने का डैमेज भी हो जाता है, यानी कि एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा हैं। तो अब क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे सबसे पहले, और मैं आपको पहले इसकी स्पीड दिखाता हूँ। पहले मैं वन पर इसको चलाऊँगा, ये देखो वन पर है, ये मैंने इसको ऑन कर दिया, ये देखिए ये वन पर इसकी स्पीड है, एक नंबर पर। ये इसकी दो पर हो गई, ये तीन पर हो गई, चार पर हो गई, पांच हो गई, ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी। दोस्तों स्पीड का ये फायदा है, जिस तरीके का भी आपको आपका जोप हो, स्टील हो, लोहा हो, अल्मीनियम हो, जितनी भी आपको स्पीड चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं। ये मेरे पास स्टेनलेस स्टील का है, तो मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है इसका, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो बाहर से आप काम करा लो, क्योंकि सेफ्टी का, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। कभी आप लापरवाही मत करना, किसी अनाड़ी कारीगर के हाथ में मत देना, गॉगल्स जरूर लगाना, या ग्लव्स जरूर, ग्लव्स मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लोहा किसी टाइम हम काटते हैं, जैसे हमें तो पता गर्म आ गया, हम जैसे हमारा हेल्पर होता है उसकी तरफ पकड़ा देते हैं, उसको भी इन बेचारे को पता था, तो उसके हाथ में भी ये सेव, ये नहीं कि आपने डाल दिए, क्योंकि इसका पता नहीं छर्रे का कहाँ जाके गिरता है, और ये आपने ज़रूर लगाना है। ये अपने हिसाब से आप मूव कर सकते हो, भाई किधर की तरफ करना है, इसको आगे पीछे आप कर सकते हो। अब इसके साथ का, इसके साथ का छोटा मॉडल है, उसके अंदर स्पीड नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस वाले मॉडल की बात करेंगे, इसकी जो सी वोट है 850 है, और इसका जो सा डिस्क लगती है 100 mm की लगती है, इसकी स्पीड है 11,000 है, उसकी स्पीड तो कम बढ़ती होती थी, इसकी स्पीड 11,000 है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये दोस्तों मैनुअल इसकी मिलती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इसके सर्विस सेंटर हैं, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर भी वही है, सिर्फ इसके अंदर रेगुलेटर नहीं है, वायर वही हमें 2.5 meter इसके साथ मिलती है। ये इसका कॉलर है, सेफ्टी कॉलर, ये इसकी की है, जिस हिसाब का इसका साइज है उसी हिसाब से इसके कॉलर और जो ये मिले हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, ये हमारा इधर लगेगा, इसके ऊपर भी कंपनी ने ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये हम इसको इधर लगा लें, जिधर की तरफ आपका हाथ चलता है, लेफ्ट राइट आप दोनों तरफ इसको लगा सकते हैं। ये मैंने राइट हैंड की, इनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड चलता है, दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका कॉलर लगेगा इधर, ठीक है। ये इसकी की है, और ये इसका ऑन ऑफ का है, और 2.5 meter, और इसके अंदर ये रेगुलेटर, इसकी स्पीड है कि ये 11,000, ठीक है, ये की स्पीड से चलेगा। चलिए दोस्तों इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारी 5 inch का ब्लेड आता है, इसका आज की डेट में अमेजोन पर प्राइस है 5,102 rupees, और जिसमें 4 inch का ब्लेड आता है आज की डेट में अमेजोन का, इसका प्राइस है 2,750 rupees। और किसी भी भाई ने अगर परचेज करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेजोन का, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती है। और ज़्यादा वीडियो को आपने कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसी लगी है।